हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट फैक्ट में। दोस्तों, अक्सर आपने विमान में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में जरूर सुना होगा। जब भी कोई विमान दुर्घटना की खबरें आती है, तब उस समय सबसे पहले विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। पर क्या आपको पता है कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये किस काम आता है, और आखिर विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले इसे ही क्यों ढूंढा जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल, जब भी कोई विमान हादसे का शिकार होता है, उस समय बहुत कम ही चीजें होती हैं जो सुरक्षित बच पाती हैं, क्योंकि विमान क्रैश होने से पहले इतनी ऊंचाई पर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफी तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा होता है कि तेजी से नीचे गिरने के बाद बहुत कम ही संभावना होती है कि कोई भी चीज साबुत बच सके, और इसलिए हमें कोई सबूत नहीं मिल पाता जिससे हमें ये पता चल सके कि हादसे का एग्जैक्ट क्या कारण था और फ्यूचर में इससे कैसे बचा जाए। इसलिए किसी भी विमान में दो डिवाइसेस को बहुत ज्यादा सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, इतने ज्यादा सुरक्षित तरीके से कि ये भी हादसे से बच सके, और इन्हीं दोनों डिवाइसेस को कंबाइंड करके इसे टर्म दिया गया है ब्लैक बॉक्स। बेसिकली ब्लैक बॉक्स में दो डिवाइसेस मौजूद होते हैं। डिवाइस नंबर 1, CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट में होने वाली पायलट और उनके सहयोगी के बीच की बातों को और कॉकपिट की अन्य आवाजों को रिकॉर्ड करता है। साथ ही ये रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब ग्राउंड में वो स्टाफ जो फ्लाइट को उड़ाने में पायलट की मदद करता है, और रेडियो के जरिए हमेशा पायलट के संपर्क में रहता है। ये विमान के क्रैश होने से तकरीबन 2 घंटे पहले की सारी ऑडियो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है। डिवाइस नंबर 2, FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कई सारे पैरामीटर्स को मेजर करता है, जैसे कि विमान कितने एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, कितने स्पीड से उड़ रहा है, किस एंगल से उड़ रहा है, और बेसिकली किस ट्रैक रूट पर उड़ रहा है। इसके अलावा साथ ही ये विमान के इंजन परफॉर्मेंस, ऑयल टेम्परेचर, थ्रस्ट, RPM और एक्सेलरेशन रेट से लेकर तकरीबन 90 अलग अलग तरह के डेटा को रिकॉर्ड करता है। ये विमान के क्रैश होने से तकरीबन 25 घंटे पहले की सारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है। इन्हीं दो डिवाइसेस की मदद से फ्लाइट के ओवरऑल डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है और स्टोर किया जाता है। जब भी कोई विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उस समय सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और उसमें मौजूद सभी डेटा को रिकवर किया जाता है। उसके बाद एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से उस एग्जैक्ट फ्लाइट को सामने स्क्रीन पर रियल टाइम में देखा जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उस विमान के साथ, और आखिरकार विमान क्रैश होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर विमान के पिछले हिस्से यानी कि टेल वाले पोर्शन में इंस्टॉल किया जाता है, ताकि विमान क्रैश होने पर भी इसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। आखिर इसका नाम ब्लैक बॉक्स ही क्यों पड़ा? दरअसल इसका नाम ब्लैक बॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआती समय में ब्लैक बॉक्स वाकई में ब्लैक कलर के होते थे। पर दोस्तों, मजेदार फैक्ट तो ये है कि ब्लैक बॉक्स एक्चुअल में ब्लैक होता ही नहीं है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। आखिर ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक क्यों नहीं होता? इसका रंग ब्लैक इसलिए नहीं होता क्योंकि हादसे के बाद विमान के मलबे में किसी भी काले रंग की चीज को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे ब्राइट ऑरेंज कलर दिया गया है ताकि इसे मलबे में भी आसानी से ढूंढा जा सके। आखिर ये ब्लैक बॉक्स बड़े से बड़े हादसों से कैसे बच जाता है? ब्लैक बॉक्स को इतने मजबूत तरीके से बनाया जाता है कि ये बड़े से बड़े हादसों में भी बच सके। एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम एक बहुत ही मजबूत मेटल होता है। अब जो ये बॉक्स है, इसमें टोटल 4 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले 3 लेयर्स में एल्यूमिनियम, रेट और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में इसे टाइटेनियम की ठोस और मोटी लेयर से कवर किया जाता है, जो कि ब्लैक बॉक्स को और मजबूत बनाने में मदद करता है। इस डिवाइस में जो डेटा डिजिटली सेव होता है वो नष्ट ना हो, इसलिए इसे शॉक प्रूफ भी बनाया जाता है। इसके साथ ही ये 1 घंटे तक 11,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को और कम से कम 10 घंटे तक 250 सेंटीग्रेड के तापमान को सहने की क्षमता रखता है। बीकन। ब्लैक बॉक्स में एक ऐसा सिस्टम भी होता है जिसे बीकन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर विमान क्रैश होकर समुद्री पानी में भी चला जाए या फिर किसी भी लिक्विड के साथ कॉन्टेक्ट में आए, तो उसके बाद इसकी जो बैटरी होती है वो करीब 1 महीने तक चलती है, और वो हर कुछ टाइम के बाद अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स छोड़ती है जो बेसिकली अंडर वाटर ट्रेवल करती है, जिसके बाद बड़ी आराम से रेस्क्यू मिशन के दौरान रेडार की मदद से ब्लैक बॉक्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब